नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे कैरियर प्लस चैनल में। यहाँ पर जो है, अगर आप पुराने पैटर्न से तैयारी करते रहेंगे, जैसा आपका लेखपाल भर्ती आ रही है, वो आपने देखा होगा कि पुराने पैटर्न से नहीं होगी, नया पैटर्न उसके अंदर पाठ्यक्रम जारी होने वाला है। और जैसे पाठ्यक्रम जारी होगा, उसके वैसे ही दो दिन के बाद आवेदन शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो वैसे ही एक वीडियो भर्ती आपको देखने को मिलने वाली है, एक नई वाली और एक पुरानी वाली। पुरानी वाली का एग्ज़ाम होगा, जिन्होंने फॉर्म डाला केवल उन्हीं का एग्ज़ाम होगा, ठीक है। और जो है नई भर्ती आपको मिलेगी, तो वो नए पैटर्न पर आपको मिलेगी, ठीक है। और जितने भी पुराने रिजल्ट है वो कब तक आएंगे, आज उसी के बारे में जानकारी पे हम वो हैं आपको बताएंगे, जो जानकारी हमें वहाँ से प्राप्त हुई है, ठीक है। तो यही चीज़ है, मैंने टॉपिक लिख दिए हैं कि इसमें जो है कि पैट जो है लेखपाल सूचना कब से, कहना मतलब क्या है, यहाँ पे सूचना के बारे में है कि कब से ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे, ठीक है, जो इसमें जो होंगे, ठीक है। तो पहले मैं आपको बता दूँ कि जो है अब जानकारी जो मिल रही है कि 7 से 10 दिसंबर, ठीक है, 7 से 10 दिसंबर के बीच में जो है इसका सिलेबस जारी होगा, ठीक है। सिलेबस जो है वो इसका जारी हो जाएगा, और जैसे ही सिलेबस जारी होगा वैसे ही आपको जो है इसके आवेदन देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे इसका आवेदन आपको देखने को मिलेंगी, जब पाठ्यक्रम सीधी सी बात, जब इसका सिलेबस जारी हो जाएगा, तो फिर देर किस बात की, फिर तो एकदम तुरंत ही आवेदन शुरू हो जाएंगे। तो इसमें जो है 15 दिसंबर के आसपास जो आपको देखने को मिलने वाला है, ठीक है, क्योंकि आवेदन इसके शुरू होनेंगे। इसके बाद इसके तो मंडी परिषद का रिजल्ट जो है, सुनने में आया कि नवंबर के लास्ट में, मैंने आपको पिछली बार भी बताया था, नवंबर के लास्ट में जो है इसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि अभी जो आपने देखा होगा कि मेरे पास सटीक इन्फॉर्मेशन आती है, अब वो बात अलग, किसी कारण से जो है वो नहीं हो पाता है, कि इसमें ट्रिपल सी का जो लफड़ा चल रहा है, मंडी परिषद की बात हो गई है ना, अब बात करेंगे जो है इसमें पैट का आवेदन क्यों नहीं आ पा रहा है, क्योंकि संशोधन जो है ट्रिपल सी का इसका पंगा चल रहा है। क्योंकि आपने देखा होगा एक पुरानी भर्ती जो हुई थी लेखपाल की 2015 में, 2015 में जो भर्ती आई थी उसमें जो है ट्रिपल सी नहीं था, पर अब संशोधन करके ट्रिपल सी भेज दिया गया, तो 12th पास होना चाहिए प्लस ट्रिपल सी होना चाहिए लेखपाल की भर्ती के लिए, ठीक है, ये चीज़ हो गई। इसके वक्त मंडी परिषद का रिजल्ट मैंने आपको बता ही दिया। AGTA और एक्स टेक्नीशियन, इसका भी आपको नया पाठ्यक्रम देखने को मिलेगा, जब इसके पाठ्यक्रम आ जाएंगे तभी इसका जो है आपको जो है इसके बाद जो है आपको आवेदन शुरू होंगे, इसके न्यू आवेदन, जैसा आपने देखा होगा ANM, ठीक है, ANM के जो पाठ्यक्रम जो है वो जारी हो चुका है, और सब कुछ जो है इसका आवेदन भी शुरू हो चुके हैं, ठीक है। AGTA और एक्स टेक्नीशियन वाले जो पाठ्यक्रम है वो भी, जब इसका पाठ्यक्रम जारी होगा तो कम से कम जो है 15 दिसंबर, ठीक है, 15 दिसंबर के आसपास जो है इसका ये पाठ्यक्रम जारी हो जाएगा, ठीक है। कैलेंडर कब तक आएगा मैंने आपको बता दिया, नवंबर के लास्ट में जो है कैलेंडर जारी होगा इसका। ये है UP SSC का, जो पुरानी परीक्षाएँ हैं, पुरानी जो परीक्षाएं होंगी उसका कैलेंडर आपको नवंबर के लास्ट में देखने को मिलेगा, जैसे कि मैंने आपने अपनी पुरानी भर्ती में आपको बताया था, पुरानी वीडियो में आपको बताया था, ठीक है। इसके बाद जो है इसमें बताते हैं कि इसमें जल्द जारी होने वाला परीक्षा कार्यक्रम, ठीक है, मतलब क्या है परीक्षा कार्यक्रम का, मतलब वही चीज़ है जो आपने पुरानी भर्तियाँ दे रखी थी जिसके फार्म डल चुके थे, तो उसके एग्ज़ाम कब तक होंगे, है ना, जैसे कि आपका जो है फॉरेस्ट गार्ड वाला एग्ज़ाम हो गया है ना, और भी कई सारे एग्ज़ाम हैं, ठीक है, तो वो एग्ज़ाम कब तक होंगे, तो उसमें आपको ये जो कैलेंडर जारी होगा उसमें आपको देखने को मिल जाएगा ये वाला जो है, ठीक है। इसके बाद जो 7 से 10 दिसंबर में लेखपाल भर्ती का पाठ्यक्रम जारी होगा, मैंने आपको पहले से इन्फॉर्मेशन दे दी है। वीडियो की एक पुरानी भर्ती है, मैंने आपको बताई थी, एक पुरानी भर्ती है 2018 वाली जो है, और एक नई भर्ती आएगी 2021 की, ठीक है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन जो थी मेरे को बतानी थी, और ये जो है अगर कुछ भी चीज़ अगर आपको पूछनी है बोरिंग टेक्नीशियन से संबंधित या फिर कुछ भी चीज़, तो मैं जो हूँ पता लगा के एक वीडियो एक सेपरेट बना दूंगा, ठीक है। और यदि आप हमारे चैनल पर अगर नहीं हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सबसे पहले इन्फॉर्मेशन पाने के लिए, ठीक, कोई भी इन्फॉर्मेशन आपसे छूट ना जाए, इसलिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल कैरियर प्लस। थैंक यू वेरी मच।